अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हमारा ये चैनल साबिर पाक रहमतुल्लाहे अलैहे के दीवानों का चैनल है। हम आपको वक्त वक्त पर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहे के आस्ताना मुबारक कलियर शरीफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की मालूमात देते रहते हैं, ताकि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहे से मोहब्बत करने वाले, उनसे निस्बत रखने वालों तक पीरान कलियर शरीफ की तमाम खबरें पहुंच सके। नाज़रीन, हमने आपको अक्टूबर के महीने में मनाए जा रहे साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहे के 754 उर्स मुबारक की मालूमात दी थी। हमने आपको उर्स मुबारक में अदा की जाने वाली तमाम रसूमात के बारे में भी जानकारी दी थी। तो प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहे के 754 उर्स मुबारक तैयारियां दिखाने वाले हैं, बल्कि उर्स से मुतालिक बेहद खास मालूमात भी देने वाले हैं कि कैसे इस मर्तबा आप घर बैठे कैसे आप कुल शरीफ और गुस्ल शरीफ के रसूमात में हिस्सा ले सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो से आखिरी तक बने रहें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उर्स की यह अजीम मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्यारे रसूल का सदका या साहब राजा, बिगड़ी मेरी बनाने को, या साहब राजा बिगड़ी मेरी बनाने को, सुना है आज तो साबिर पिया भी आए, सुना है आज इमाम साहब सुना है आज तो। नाज़रीन, इस मर्तबा यानी 2022 में अक्टूबर माह की 8, 9, 10 और 11 की तारीख साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहे के दीवानों के लिए बेहद खास है। इन चार दिनों में कलिय शरीफ में उर्स की बेहद खास रसूमात की अदायगी की जानी है, जिसके लिए पीरान करियल शरीफ में उर्स की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहे के अस्ताने की रौनक जहां आपने उरूज पर है, वहीं कलियर की गलियों तक को आका की मिलाद के लिए सजाया गया है। आस्ताने के बाहर नजारे, नियाज और लंगर की दुकानें भी उर्स की रौनक में रंगी नजर आ रही है। मेरी नजर में तेरी बरक क्या हकीकत है कि मैंने देखा है साबिर के मुस्कुराने को। नूरानी खबरों में आपका स्वागत है। कलियर में जिस तरह की तैयारी चल रही है, क्या माहौल है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज नज़ारा बहुत देखने को काफ़ी दिनों के बाद मिला है। साबिर पाक का करम बहुत बड़ा करम है कि आज जो उसकी तारीख मिली है और नज़ारा दिख रहा है, बहुत दूर दूर से जहरीन आ रहे हैं। माशाल्लाह शुरुआत हो गई है। 754 साबिर पाक का उर्स मुबारक, सभी खास और आम को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में जो है जहरीन का डाटा लग जाएगा। माशाल्लाह आने की भीड़ लगी है देखने के लिए। सरकार से दुआ मांगे और सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक सभी को अमन के साथ रखे मौला, और साबिर पाक का करम है। कलियर शरीफ में पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है? माशाल्लाह आपकी बार बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं सभी जगह सफाई का और लाइट का, खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम माशाल्लाह कराया है, ताकि अल्लाह के आगे जैसा भी मौसम होता है उसके। उससे पहले आस्ताने मुबारक तक आने वाले
तमाम रास्तों को सजाया गया है। कलियर शरीफ के आसपास की दुकानें और बाजार मिलाद और उर्स के लिए सज चुकी हैं। इस तरह की रौनक और इस तरह की खूबसूरती है कि मानो ईद का चांद नजर आया है। आप जैसे जैसे अंदर दाखिल होंगे, वैसे वैसे आप रूहानी खूबसूरती से मुतासिर होंगे। आस्थाने के इर्द-गिर्द की खूबसूरती आपको माशाल्लाह कहने पर मजबूर कर देगी। यकीन मानिए, इस खूबसूरती को देख आपका दिल मचल उठेगा और आप भी कलियर शरीफ जाने के लिए दुआएं करने लगेंगे। उससे पहले साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के आस्थाने मुबारक पर पेंट कर चमकाया गया है। आस्थाने के साथ लगती मस्जिद पर भी पुताई का काम किया गया है। आस्थाने की तमाम जालियों को खूबसूरती से सजाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उससे पहले साबिर पाक के आस्थाने को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर दिन आस्थाने की खूबसूरती में चार चांद लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, 754 उर्स मुबारक के लिए नूरानी खबरें की टीम ने भी खास तरह के इंतजाम किए हैं, जिसके बाद हम आपको ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह इस मर्तबा हम आपको उर्स मुबारक की खास रसूमात की लाइव जियारत करा पाएंगे। रोशनी कुल शरीफ और गुसल शरीफ के दौरान नूरानी खबरें अपने नाजरीनों को लाइव अपडेट देती रहेगी। इस दौरान हम अपने तमाम नाजरीनों के लिए दुआएं भी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको वली अल्लाह से निस्बत रखने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सभी को साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के आस्थाने मुबारक पर पहुंचाकर खिराजे अकीदत पेश करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। मेरी नजर में तेरी बरक क्या फते है कि मैंने देखा है साबिर के मुस्कुराने।